मैट्रिक्स की फोर्थ इंस्टॉलमेंट द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस आ चुकी है और यह इस साल की सबसे बड़ी लेटडाउन्स में से एक है। कियानू रीव्स साइबरपंक लुक में नियो के साथ वापस आ गया है, लेकिन ओरिजिनल फैंस को इस रिबूट को समझना मुश्किल होगा। फिल्म की शुरुआत नियो को बेचैन और उदास अधेड़ उम्र में दिखाती है, जो उसके सामान्य नाम थॉमस एंडरसन के तहत काम करता है। वह एक अवार्ड विनर गेम प्रोग्रामर है। जेसिका हैनविक द्वारा निभाई गई बग्स नामक एक एक्टिविस्ट एक पाखंडी सरकारी एजेंट के साथ, जिसने मॉर्फियस का व्यक्तित्व ग्रहण किया है, उसके साथ संपर्क बनाने की कोशिश करती है। इस बीच थॉमस के बिलियनेयर एम्प्लॉयर स्मिथ एजेंट स्मिथ के समानांतर संस्करण प्रतीत होते हैं, लेकिन थॉमस के एनालिस्ट उन्हें आश्वस्त करते हैं कि यह सब उनकी कल्पना है। लेकिन थॉमस अभी भी ट्रिनिटी से बहुत प्यार करता है, जिसे वह हर दिन अपनी स्थानीय कॉफी शॉप में देखता है। फिल्म नियो और ट्रिनिटी के पुनर्मिलन के बारे में है। इंडिया में मैट्रिक्स के प्रति उत्साही लोगों के लिए नई फिल्म में सती की आड़ में प्रियंका चोपड़ा जोनस हैं। उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो लिमिटेड टाइम के बावजूद प्रभाव डालती है। सती नियो और ट्रिनिटी के पुनर्मिलन करने के लिए मेमोसिन के कप्तान बग्स और ऑपरेटर सिकोया के नेतृत्व में उनकी टीम का मार्गदर्शन करती है। मैट्रिक्स रिजरेक्शंस का अनुभव करना एक स्टार एथलीट को रिटायरमेंट से बाहर आते देखने जैसा है। यह दिखाता है कि इसे क्या खास बनाता है, लेकिन यह ज्यादातर अपने पूर्व स्व की छाया है। फिल्म का एक्शन काफी खराब है, ओवर एडिटिंग और आधे अधूरे पंचेस की वजह से बिल्कुल मजा नहीं आता। मैट्रिक्स रिजरेक्शंस में बड़े आइडियाज हैं, लेकिन यह एग्जीक्यूशन की वजह से सफल नहीं होते। इसकी कहानी भारी भरकम थीम और पिछली फिल्मों के लिए बहुत अधिक कॉलबैक उनसे ली गई वास्तविक फुटेज सहित में फंस जाता है। जहां पहली फिल्म में एक्साइटिंग एक्शन और स्पेशल इफेक्ट्स थे, यहां यह बोरिंग और हेविली एडिटेड लगता है। द मैट्रिक्स रिजरेक्शंस मर्की इफेक्ट्स इंडिफरेंट एक्शन और एक पागलपन भरी लगातार दोहराई जाने वाली स्टोरी का एक रिसाइकलिंग डंप है। इस फिल्म को देखने से बचना ही बेहतर है।